पर अगला जनपद से प्रतिभा की पलायन। यदि अपने शहर से रोकना चाहते हैं तो बच्चों को उच्च शिक्षा दें किंतु स्वयं का उद्योग करने के लिए भी प्रेरित करें। शिक्षा रोजगार तभी दे सकती है जब उसमें कौशल विकास का आधार शामिल हो, यह कहना था मुख्य वक्ता डॉक्टर स्वाति जैन, वरिष्ठ प्रोफेसर सुबोध महिला महाविद्यालय जयपुर का। रविवार को आवास विकास स्थित होटल शिवम इन में लीडर सागरा द्वारा शिक्षा रोजगार विषय पर चिंतन मंथन पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का आरंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और प्रोफेसर आसू रानी, कुलपति डॉक्टर बीआर आम्बेडकर विवि, कार्यक्रम अध्यक्ष पूरन डावर, अध्यक्ष डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा, महामंत्री सुनील जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने सम्मान शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी और चपरासी के बच्चे जब एक ही कक्षा में पढ़ेंगे तभी समाज में समानता आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सवर्णों की आयु सीमा प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ा देनी चाहिए। कार्यक्रम में अंजलि गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुशवाहा, श्रीकांत शर्मा, राहुल जैन, निर्मला शर्मा, ओम प्रकाश, राहुल वर्मा, आयुषी गुप्ता, एस के बग्गा, नवीन चंचल आदि उपस्थित रहे। सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल फतेहगढ़, मैं आगरा का ही निवासी हूँ और आज लीडर्स आगरा द्वारा आयोजित किए जा रहे शिक्षा एवं रोजगार के परिचर्चा में भाग लेने में मेरे परम मित्र सुनील जैन जी के आग्रह पर मैं आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ और इसलिए मेरा सरोकार भी आगरा से ज्यादा है। शिक्षा और रोजगार क्योंकि दोनों ही बिंदु ऐसे हैं जो कि मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पहले शिक्षा का जो रिजल्ट था और शिक्षा का जो परसेंटेज था बहुत कम था, तो नौकरी आसानी से मिल जाया करती थी। आज चूंकि शिक्षा का परसेंटेज लगभग 100% पे जा रहा है तो सबको नौकरी मिलना संभव नहीं है, इसलिए हमें रोजगार की तरफ सोचना चाहिए और शुरू से ही शिक्षा के साथ ही रोजगार को जोड़ करके ऐसी शिक्षा का मॉडल तैयार होना चाहिए जो रोजगार के शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी इंसान को मुहैया हो। हम लोग खुद भी इस बात के गवाह हैं, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से गवाह हूँ, जो हमारे घरों में हम पढ़ते थे, आगरा में टीवी नया नया आया था तो हमें जब स्कूल के बीच की छुट्टियां मिली तो मैंने खुद भी टीवी बनाने का काम सीखा था। वो इसीलिए सीखा था कि अगर नौकरी नहीं लगी तो कम से कम रोजगार तो हाथ में होगा, तो ये बहुत जरूरी है कि शिक्षा के साथ साथ कोई ना कोई एक रोजगार अपनाया जाए जिससे आगे जीवन में कोई कठिनाई और कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। धन्यवाद। एक संगोष्ठी रखी 1994 से मैं देख रहा हूँ लीडर सागरा लगातार समाज के विभिन्न विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि शिक्षा और रोजगार। वास्तव में हमने रोजगार के और शिक्षा के अर्थों को समझ लिया है। जिस दिन हम समझ लेंगे कि कोई भी काम छोटा नहीं है उस दिन कोई भी भारत को बेरोजगार नहीं रहेगा। और ये अभिभावकों को, खासतौर से पेरेंट्स को, उनको ये समझना होगा कि पुत्र में एक मोह हो कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा ये काम करेगा, वो उससे बाहर आना होगा उस मानसिकता से। कोई भी काम छोटा नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, जूते का काम जिसको कोई हाथ नहीं रखता है। और शायद पारिवारिक स्थिति जब शुरुआत की तो ऐसी रही होगी जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन उस छोटे से काम को, जूता उद्योग को, अगर हमने पढ़ लिख करके किया तो आज वो उद्योग बन गया। हमें कोई भी काम छोटा नहीं है। अपने काम को, शिक्षा के अर्थ को समझना, शिक्षा ज्ञान का साधन है, शिक्षा डिग्री लेने का साधन है। डिग्री लेकर के सिर्फ आप एक और प्राइवेट मिलाकर के मात्र 3,40,00,000 लोग की नौकरियां हैं सरकारी और लगभग 1.5 करोड़ अर्ध सरकारी नौकरियां। कुल मिलाकर के अब हमको ये देखना है कि हम 7% की लाइन में लगना चाहते हैं कि 92% की लाइन में लगना चाहते हैं। हम जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं कि जॉब देने वाला बनना चाहते हैं। कि जिस दिन हम ये समझेंगे कोई भी छोटा नहीं है, छोटे छोटे से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बिना पैसा लगाए हुए भी छात्र अपने पढ़ते, अगर उसमें देखें विदेशों में तो जब बच्चा की हाई स्कूल में आता है तो हाई स्कूल में अपनी फीस खुद कमाता है, अपनी फीस खुद कमाता है। कैसे कमाता है? कोई भी काम करता है। हमने एक बच्चे से हमने पूछा, क्या मैं कोई भी अगर 4 आवर्स 4 घंटे में काम करता हूँ, क्या काम करते हो?
कुछ भी 2 घंटे घास काटता हूँ, 2 आवर से डूब घास कटिंग। तो घास काटना भी कोई सम्मान से, और आप नाई के बेटे, आप दर्जी के बेटे, आपको गर्व होना चाहिए। पहले अपने काम को बदले, नाई से मेकअप आर्टिस्ट कैसे बनाना है, सैलून में कैसे बदलना है, ब्यूटी पार्लर में उसको कैसे बदलना है, दर्जी के बेटे हैं तो उसको अपने काम को सबसे पहले बदलो। दूसरा काम ढूंढने के बजाय आप मेड टू मेजर डिजाइन, फैशन डिजाइनर, ये सारे उसी में से निकलते हैं। मल्टी करके आप पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं। और अपने पढ़ाई का अर्थ नौकरी लेना नहीं है, आपकी एजुकेशन का अर्थ सिर्फ एक ही है कि उसके जो अनऑर्गेनाइज काम है, जो अव्यवस्थित काम है, उसको व्यवस्थित। इसी पर लीला सागरा द्वारा आयोजित शिक्षा एवं रोजगार सेमिनार पर जाने का मौका मिला। शिक्षा का रोजगार से तो संबंध नहीं, लेकिन उसका संबंध ज्ञान से है। विद्या दादाप उनमें विनम्रता प्रदान करती है। ये जितने शिक्षित हैं सभी रोजगार नहीं पाएंगे, लेकिन शिक्षा के अलावा अनस्किल लेबर, स्किल लेबर, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तमाम चीजें ऐसी हैं जो रोजगार दे रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने का तरीका केवल गुड क्वालिटी एजुकेशन है। दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर अपने बच्चों की गुड क्वालिटी एजुकेशन में अपने आप को मिटा देंगे तो एक दिन सभी कुछ वापस आएंगे। ये बाबा साहब ने भी कहा था कि 3 शब्द हैं वो बड़े महत्वपूर्ण, शिक्षित बनो, संचित रहो, संघर्ष करो। अभी सोचा है कि ये क्रम क्यों रखा, वो ये 3 शब्द कहने थे तो ऐसे भी कह सकते थे कि संघर्ष करो, संचित बनो, शिक्षित बनो। ये क्रम क्यों रखा कि शिक्षित, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा संचित नहीं हो सकता, जब तक संचित नहीं होगा संघर्ष के रास्ते पर। लेकिन मैं बाबा साहब के शब्दों को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। बाबा साहब ने शिक्षित बनो उस परिस्थिति में कहा था जब बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे 30%। लेकिन आज केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आजकल गुड क्वालिटी एजुकेशन से काम चलेगा।